राज्य सरकार ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेंट और प्रदर्शक सहायक प्राध्यापक सह प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के वेतन में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 1 सितंबर 2024 से पूरे राज्य के शासकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रभावी होगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 46% और गैर अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 30% की वेतन वृद्धि की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 2,25,000 रुपए का कर दिया गया है। इसी तरह सह प्राध्यापक का वेतन 1,85,000, सहायक प्राध्यापक का वेतन 1,25,000 तथा सीनियर रेजिडेंट और प्रदर्शक का वेतन 95,000 रुपए कर दिया गया है। बस्तर साथ ही कुछ ऐसे अनुसूचित जिले हैं जैसे कोरबा, इन क्षेत्रों में जो मेडिकल कॉलेज हैं इनके प्राध्यापक को हम पहले 1,90,000 देते थे, अब उनको 2,25,000 देंगे। सहायक प्राध्यापक को 1,55,000 देते थे, वो 1,85,000 देंगे। और सह प्राध्यापक उनको 1,55 से 1,85 और जो सहायक प्राध्यापक हैं उनको 90,000 से 1,25,000 देंगे। और जो सीनियर रेसिडेंस प्रदर्शक हैं उनको 65,000 से 95,000 रुपये किया गया है। इसी प्रकार से जो गैर अनुसूचित क्षेत्र सामान्य क्षेत्र हैं इनमें प्राध्यापक को 1,55,000 से 1,90,000 किए हैं, सह प्राध्यापक का 1,35,000 से 1,55,000 किए हैं, सहायक प्राध्यापक का 90,000 से 1,00,000 रुपये किए हैं, और जो सीनियर रेसिडेंस प्रदर्शक पीजी हैं उनका 65,000 से 75,000 किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले भावी डॉक्टरों का यह अधिकार है कि उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाला शिक्षक और शिक्षा मिले।